हमने अभी 5 फरवरी को उनसे पूछा भी कि आप बताएं कि मैंने कहाँ गलती किया, मेरा परिवार कहाँ गलती किया। हम तो कम से कम ये जाने कि वो कौन सी खता थी जिसकी इतनी बड़ी सजा आप हमें दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं उनके पिता ने। हमने उनको ऑन द रिकॉर्ड कहा कि वो हमारे जीवन के अंग हैं, आपके लिए भविष्य भूत हो सकते हैं, हमारे वर्तमान और भविष्य वही है। जो ATM हमारी पत्नी यूज करती थी, तो उस ATM को उन्होंने 8 तारीख को 14:37 पर ब्लॉक कर दिया था। उसी रजिस्टर्ड नंबर से सारा पैकिंग किया, जहाँ जहाँ मेरे बच्चे की कोई भी अवशेष था, चाहे उसके कपड़े हो, उसके जूते हो, उसके टाई हो, सब उन्होंने एक झोले में पैक किया, जो हमें 13 अगस्त को पता चला जब मेरी बेटी वहाँ पे पहुंची, जब उसने फोटो भेजा कि लेडी ये देखी। 5 जुलाई 2024 की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी और माँ को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। लोगों की आंखें नम हो गईं। शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति की बहादुरी और हौसले की चर्चाएं होने लगी। लेकिन अब खबरें एकदम अलग आ रही हैं। शहीद अंशुमन के परिवार ने स्मृति को लेकर जो बातें कही उसे सुनकर सभी दंग रह गए। दरअसल साल 2023 में सियाचिन की घटना में अपने साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए थे। उनके मरणोपरांत उनकी मां और पत्नी स्मृति को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अब शहीद के परिवार ने चौंकाने वाली बातें कह दी और शहीद की पत्नी पर कई आरोप लगा दिए। आरोप है कि शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति अपने पति की फोटो एल्बम, कपड़े और सारी यादों के साथ सरकार के द्वारा दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर यानी मायके गुरदासपुर चली गई। आरोप के मुताबिक स्मृति के माता पिता को शहीद बेटे का मेडल हाथ में भी नहीं लेने दिया, और तो और दस्तावेजों में दर्ज परमानेंट एड्रेस भी चेंज करवा दिया गया। शहीद अंशुमन सिंह के पिता का कहना है कि बेटे की 13वीं के दिन से ही उनकी बहू यानी स्मृति पूरी तरह से बदल गई। वो अपने मायके चली गई, वो ना बात करती है और ना ही कोई रिश्ता रखती है। आरोप है कि शहीद की पत्नी स्मृति ने परमानेंट एड्रेस चेंज करा दिया। जो ATM कार्ड बेटे अंशुमन ने अपनी मां को दिया था, वो ATM कार्ड भी स्मृति ने अब ब्लॉक करा दिया है। इसके साथ ही कई तरह के तमाम आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। 2 अगस्त, अच्छा 2 अगस्त, 13 ही 2 अगस्त को थी और 13 ही को ये हुआ। पूरे रस्म और रिवाज के साथ हमारी 13 ही मनाई गई। जो अगला दिन होता है भोज का, जिसको आप कहते हैं मतलब कच्चा खाना, भात खाना, आप तो उस दिन वो अभी चल रहा था। और गंगा किनारे या सरजू किनारे जहाँ भी लोग जाते हैं, तो सरजू हमारे यहाँ है, वहाँ किनारे हमने उनका अंतिम संस्कार किया था। तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं कि जो पत्नी के जो कड़े होते हैं या कपड़े होते हैं वहाँ जाके प्रवाहित किए जाते हैं। तो हमने कहा बेटा वो आज के दिन एक दिन रुक जाओ, करके जाते हैं। तो भी कहा नहीं अप्पा जरूरी है। तो हमने पंडित को बुला के और पूरे रस्म और रिवाज के साथ वो सारे चीज पूरे कराए। और वो 3 तारीख को जब हमारे यहाँ भी खाना पीना चल रहा था, तभी वो UP सरकार की गाड़ी थी और वो लेकर के माननीय योगी जी का बहुत सहयोग रहा, तो वो गाड़ी यहाँ आई थी लेकर के, ट्रांसपोर्ट की रोडवेज की गाड़ी थी, लेके आई लखनऊ। और वो सुबह 4 तारीख को गई। जाते समय वो क्या उनके मन में था, उनके माता जी के मन में था, नोएडा में जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट में चाबी जब बंदा ला करके दिया, तो उन्होंने पूछा और क्या सीन है। और उसके बाद वो 4 घंटे रही, अपना सारा पैकिंग किया, जहाँ जहाँ मेरे बच्चे की कोई भी अवशेष था, चाहे उसके कपड़े हो, उसके जूते हो, उसके टाई हो, सब उन्होंने एक झोले में पैक किया, जो हमें 13 अगस्त को पता चला जब मेरी बेटी वहां पे पहुंची, जब उसने फोटो भेजा कि डैडी ये देखिए, तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं। तो वो ये कहते रहे कि अभी थोड़ा इनस्टेबल है और थोड़ी सी उसको टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए। दुखिया मैं भी हमेशा बातचीत करने की कोशिश करता था और कभी कभार बातचीत करता था। मैडम हमेशा टच में थी, फोन करती थी, मैसेज करती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इनका अंशुमन के नाम से एक सिम था, जिस सिम पे एयरटेल का पोस्टपेड था, सारे परिवार का, हमारी वाइफ का, बेटी का, बेटे का और बहू का। तो उन्होंने जो बेसिक सिम था उससे सबको एलिमिनेट कर दिया और उसको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया। हमने जब फोन किया एयरटेल में, तो पता चला कि उस नंबर से फोन करके ऐसा किया गया। तब भी हमने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि ऐसा कुछ रहा होगा। जो ATM हमारी पत्नी यूज करती थी, तो उस ATM को उन्होंने 8 तारीख को 14:37 पर ब्लॉक कर दिया था उसी रजिस्टर्ड नंबर से। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वो ATM किसके बैंक अकाउंट का था? उनके बैंक अकाउंट का था, जो उनका DSP अकाउंट था। अच्छा। तो वो अपनी माँ को पहले से, जब से उनका तनख्वाह आया तब से दिए थे। और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि माँ और अंशुमन सिंह का अपनी माँ के साथ, हाँ अंशुमन सिंह की अपनी माँ के साथ जॉइंट अकाउंट था। नहीं नहीं, DSP अकाउंट में फैसिलिटी होती है कि 2 ATM होते हैं। अंशुमन सिंह का अपनी माँ के साथ ऐसा एक अनमोल बंधन था,
जिसको समाज में आपको बहुत अनमोल आप ये कहें कि उदाहरण मिलेगा। कहां बात बिगड़ने लगी? कभी सोचा था कि जिस लड़की को आप बहू बना करके लाए, अपने बेटे की मर्जी से लाए, इतने इतने धूमधाम से लाए, वो ऐसी बेरुखी से चली जाएगी? इसका गम मुझे आज भी है कि काश हम ये जान पाते कि मनसा वाचा कर्मणा से मैं मेरा परिवार कहां वो खता किया कि वो इस तरह की सोच पे वो लोग आ गए। हम आज तक यही नहीं जान पाए। हमने अभी 5 फरवरी को उनसे पूछा भी कि आप बताएं कि मैंने कहां गलती किया, मेरा परिवार कहां गलती किया। हम तो कम से कम ये जाने कि वो कौन सी खता थी जिसकी इतनी बड़ी सजा आप हमें दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं, उनके पिता ने। हमने उनको आंध रिकॉर्ड कहा कि वो हमारे जीवन के अंग हैं, आपके लिए भविष्य भूत हो सकते हैं, हमारे वर्तमान और भविष्य वही हैं। जिस माँ बाप ने अपने जवान बेटे को खोया, वो बेटे की यादों के साथ साथ इस शहादत के बदले मिली कीर्ति चक्र को एक बार छूने के लिए भी तरस रहे हैं। बता दें कि फिलहाल अभी तक इस मामले में शहीद अंशुमन की पत्नी स्मृति का कोई जवाब नहीं आया है। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।